कतर के दौरे पर गए फ्रांसीसी विदेश मंत्री जाइस ली ड्रायन ने कतर के विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से मुलाकात की, जहां उन्होंने साझा बयान जारी कर अरब देशों से खाड़ी क्षेत्र में तनाव कम करने की कोशिशें करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कतर के साथ मौजूदा कूटनीतिक विवाद से किसी को लाभ नहीं हो रहा है। ली ड्रायन ने कहा कि प्रतिबंध से न सिर्फ रिश्ते खराब हो रहे हैं बल्कि आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो रहा है। फ्रांसीसी विदेश मंत्री ने कतर का बहिष्कार करने वाले खाड़ी देशों से जितनी जल्दी संभव हो प्रतिबंध हटाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि जब सभी देश साथ मिलकर लड़ेंगे तभी आतंकवाद का खात्मा होगा। वहीं संयुक्त बयान में कतर के विदेश मंत्री ने कहा कि इन देशों के दोहा से संबंध खत्म करने के फैसले के चलते आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई धीमी हुई है और इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कोशिशें अवरुद्ध हुई हैं। आपको बता दें कि कतर पर आतंकवाद को समर्थन देने का आरोप लगाते हुए सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और यमन ने इसी साल जून में अपने संबंध खत्म कर दिए थे। सऊदी अरब ने कतर को 13 शर्तें मानने के लिए कहा था, जिसमें आतंकी संगठनों के साथ गठजोड़ खत्म करने से लेकर अल जजीरा टीवी को बंद करना शामिल था। हालांकि कतर ने किसी भी शर्त को मानने से इनकार कर दिया है। फ्रांस ने कतर और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंधों में आई लगातार खराबी पर चिंता जाहिर की है। उसने सभी देशों से कतर के साथ संबंध सुधारने पर जोर दिया। तो अब देखना होगा कि क्या फ्रांस के अनुरोध पर 5 खाड़ी देश कतर के प्रति नरम रुख अपनाएंगे या फिर उनका विरोध जारी रहेगा। देखते रहिए डीबी लाइव।